ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जय गायत्री माता की। आप सभी को नमस्कार, बहुत सारा प्यार स्वागत है आपका फिनिक्स अकेडमी चैनल पर। तो साथियों, सब फटाफट सब लोग वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, लव यू ऑल। चलिए, सुष्मिता सिंह, अन्नु कुमार, सरोज, कुंदन, शिना, कविता, काजल प्रजापति, आलोक वैष्णवी, रानी चौहान, ममता वर्मा, अनुराधा कश्यप, सब बच्चों को बहुत सारा प्यार नमस्कार। चलिए, स्वागत है आपका जीएस की कक्षा में। आप सब जानते हो कि हम सब डेली शाम 7 बजे जीएस को पढ़ रहे हैं जबरदस्त तरीके से। राधे राधे, राधे राधे बच्चे, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो साथियों एक बहुत प्यारा सा, पहली बात तो मोटिवेशनल लाइन है मेरे सामने और आपको दिख रहा होगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये बात कही गई है। क्या कही गई है? उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। मतलब आप अगर किसी काम को छोड़ चुके हो करना, आप उस काम के लिए उठिए और जागिए, और सबसे बड़ी बात है कि तब तक आपको चलना है जब तक वो कार्य आपका नहीं पूरा हो जाता। ये बात कही है स्वामी विवेकानंद जी ने। क्लियर? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनका जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी को हुआ था, और 12 जनवरी को जो जन्म हुआ था, परीक्षा में प्रश्न आता है कि इस दिन क्या मनाया जाता है, तो बच्चे आप सबको याद कर लेना है, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे मनाते हैं कब? तो बच्चे 12 जनवरी को। फिर अगर आपसे मैं बात कहूं कि 12 जनवरी के अलावा एक दिवस है 12 अगस्त, और 12 अगस्त को क्या मनाते हैं हम लोग? तो 12 अगस्त को मनाते हैं विश्व युवा दिवस, वर्ल्ड यूथ डे। ये कब मनाते हैं? तो 12 अगस्त को। क्लियर है? स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात करें तो बचपन का जो नाम था, तो आप सबको पता होगा बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु का नाम था बच्चे, वो गुरु का नाम क्या था? तो आप सबको पता होगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। और इन्होंने गुरु के नाम पे एक मिशन की स्थापना कर दी थी, उसका नाम था रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस मिशन। तो आप सबको पता होना चाहिए रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना या संस्थापक कौन थे, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके फाउंडर कौन थे? तो वो फाउंडर थे स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी। क्लियर है? सबसे बड़ी बात आती है बच्चे कि स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापना जो की थी रामकृष्ण परमहंस मिशन की, वो कब की थी? 1897 में। उसके भी बाद बड़ी बात आती है कि इसकी स्थापना इन्होंने कहाँ पर की थी? बच्चे आप सबको याद होना चाहिए, बैलूर मठ। बैलूर मठ कहाँ पड़ता बच्चे? पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान गए हो। जबरदस्त पेपर में पूछा जाता है और ज़बरदस्त आप बता सकते हो। ठीक है, ये वही स्वामी विवेकानंद जी थे, ये वही स्वामी विवेकानंद जी थे जो एक प्रकार से 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लेने गए थे। और ये विश्व धर्म सम्मेलन बच्चे कहाँ हुआ था? तो आप सबको पता है शिकागो। शिकागो कहाँ पड़ता है? USA में पड़ता है। शिकागो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इतनी बात आप सबको दिल को पूरा छू गई होगी और आपको इतने सारे प्रश्न जीएस के याद हो गए होंगे सिर्फ मोटिवेशनल लाइन से। अगर आपको लग रहा हो कि यह सारी चीज़ समझ में आई तो वीडियो को आप लाइक करिएगा। इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ कि जो बच्चे हमारा एप्लीकेशन पर कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप डाउनलोड कर लो। कौन सा? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। ठीक है, उसके बाद आपके लिए कॉन्टेक्ट नंबर ये है। ठीक है, और जो आपको ये प्राइस दिख रहा तो यहाँ पे आप यूज कर लो RAM20, RAM20 कूपन कोड है, इसमें आपको स्पेस नहीं देना है, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, अब बच्चे आज जो मैंने आपके लिए टॉपिक पूरा पढ़ाने का निर्णय लिया है, जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ वो सिखाने वाला हूँ मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य
वंस। तो जबरदस्त तरीके से आप सब वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो जबरदस्त। परम सर, 3 दिन से कॉल कर रहा हूँ, अटेंड नहीं कर रहे हो, कोर्स परचेज करने की सोच रहा हूँ, डिटेल चाहिए। परम जी आप कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए, ठीक है। आप प्लीज इतने मैसेज मत करिए बार बार। चलिए, क्लियर हो गई बात बच्चे? हाँ, इतनी बात समझ में आ गई जबरदस्त तरीके से। तो आप सब बेहतरीन तरीके से पढ़ना, आपको मौर वंश के बारे में बहुत अच्छे समझना है जबरदस्त तरीके से। अब मैं अगर मौर वंश के बारे में बात करूं तो सबसे पहले बात आती है कि मौर वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर वंश के संस्थापक मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर वंश की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, बहुत अच्छे से याद कर लेना। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पीएम मतलब प्रधानमंत्री कौन था, तो आप सबको पता होना चाहिए, उन प्रधानमंत्री का नाम था चाणक्य। और जिनको हम लोग चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जानते थे, किस नाम से, कौटिल्य के नाम से। बच्चे यहीं पर एक प्रश्न याद कर लेना, चाणक्य या कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था, चाणक्य या कौटिल्य का बचपन का नाम क्या था, तो याद कर लेना विष्णुगुप्त। जो विष्णुगुप्त था ना, वो चाणक्य और कौटिल्य के बचपन का नाम था, जिसका नाम था विष्णुगुप्त। बहुत अच्छे से आप चीजों को याद रखिएगा। दूसरी बात बच्चे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्र बिल्कुल सिंपल, चंद्र मौर्य ने मौर्य वंश की कैपिटल राजधानी किसे बनाया था, तो राजधानी इन्होंने चुना था पाटलिपुत्र को। अब मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, आप सब जानते हो ये पूरा का पूरा शासन कहाँ पे हुआ था, तो ये बिहार का जो क्षेत्र था मगध, क्योंकि 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा बच्चे शक्तिशाली महाजनपद जो निकला था वो निकला था जिसका नाम था मगध। और मगध पर शासन बिल्कुल क्रमवाइज चला था। अगर मैं मगध पर शासन की बात करूं जो हमने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले बच्चे यहां पे जो शासन हुआ था वो कौन से वंश के द्वारा हुआ था, बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश के बाद कौन सा बच्चे यहां पे, हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद बच्चे यहां पे कौन सा, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद बच्चे यहां पे कौन सा, तो आप सबको पता होगा नंद वंश। और नंद वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था घनानंद। ये सारे आपको बिल्कुल क्रम से पता होने चाहिए कि इन सारे वंशों ने मौर्य वंश मगध की गद्दी पर शासन किया था। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई। कुमार नीरज कह रहे हैं मगध की कैपिटल चंपा, लेकिन मगध की कैपिटल बच्चे थी क्या, पाटलिपुत्र। मौर्य वंश में जो चंपा थी वो अंग की राजधानी थी। किसकी थी, अंग की राजधानी। संगीता गुर्जर बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। हाँ, वीडियो को लाइक करते रहना। मगध पे सारा वंश था, मैंने बताया था नंद वंश का जो अंतिम शासक थे, लास्ट अंतिम जो थे उनका नाम था घनानंद। और घनानंद को हरा किसने दिया था, आप सब जानते हो घनानंद को हराया था किसने, भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया और यहां पे एक नया वंश स्थापित किया जिसका नाम था मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी। क्लियर है, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। चलो, हाँ, वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो साथियों। तो मौर्य वंश की स्थापना की थी जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, किसकी सहायता से, तो आपको पता चल रहा होगा चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा। और जिनके बचपन का जो नाम था वो नाम था विष्णुगुप्त। तो इतनी बात बच्चे बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अच्छे से दिलो दिमाग में बैठ गई होगी। अब बच्चे मैं बताना चाहता हूं कि मौर्य वंश का जो शिक्षा केंद्र था, शिक्षा केंद्र वो क्या था, तो आप सबको पता होना चाहिए मौर्य वंश का जो शिक्षा केंद्र था उसको कहते थे तक्षशिला। और तक्षशिला बच्चे कहां पढ़ता था, आप सबको पता होना चाहिए पाकिस्तान में। क्लियर बच्चे, आपको मैं अगला प्रश्न बताऊं कि मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या था। मौर्य वंश का
राजकीय चिन्ह क्या था, तो बच्चे याद कर लेना मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह जिसका नाम था मयूर। क्लियर है? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, सब बस हर एक चीज समझ में आएगा, परेशान मत होना। मौर्य वंश की बच्चे भाषा क्या थी, तो भाषा भी हमने आपको शायद बताई थी, पाली, पाली भाषा थी। इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर बच्चे मैं बात कर लूं चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानता था, तो याद कर लेना जैन धर्म को। और सबसे बड़ी बात, इनके जैन गुरु के नाम, चंद्रगुप्त मौर्य के जो जैन गुरु थे जिनका नाम लिख लेना भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के भाई साहब गुरु, जैन गुरु के नाम क्या था, भद्रबाहु। और ये जैन धर्म को मानता था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रकार पूरा पूरा का पूरा मौर्य वंश में आपको इतनी बात अच्छे से दिलो दिमाग में बैठ गई होगी, समझ में आ गई होगी, आनंद आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो फटाक से इसका स्क्रीन शॉट लो और वीडियो को लाइक करो, फिर मैं बात करता हूँ आगे की ओर। जल्दी से बच्चे स्क्रीन शॉट लो। बिना समय गंवाए हुए आप सब फटाक से स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर मैं बात करता हूं आगे की तरफ बच्चे, ठीक है। बहुत बढ़िया, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, ना लग रहा हो तो मत करिएगा, ठीक। डिसलाइक भी, डिसलाइक का भी ऑप्शन है, आपको जो ऑप्शन समझ में आए वो ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, सब बस चलिए मजा आ रहा है, सब बस बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चे। हाँ अभी सब बताएंगे, बिल्कुल समझते चलो, समझते चलो, अगर समझ में आ गया तो दिलो दिमाग में छप जाएगा। अब बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान लेना, क्या देखोगे आप सब, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो गद्दी पर बैठा हुआ था, और चंद्रगुप्त मौर्य ही बच्चे क्या था, संस्थापक था, किसका, तो आपको पता चल गया मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किसकी फाउंडर, मतलब किसकी स्थापना की थी, तो आप सबको पता चल गया मौर्य वंश की। ठीक, फिर बालक बहुत अच्छे से समझना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो अगला प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम देख लेते हैं, नाम क्या क्या नाम था बच्चे। नाम एक अगर पहले बात करें तो एक पुस्तक थी जिसका नाम, पहला इनका अगर नाम की बात करें तो याद कर लेना, पहला नाम इनका बच्चे जो था वो, इनका नाम जो हमको मिला है वो क्या मिला है तो याद कर लेना, उसका नाम था सैंड्रोकोट्स, सैंड्रोकोट्स, ठीक बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना सैंड्रोकोट्स। इसका उल्लेख इनका कहां पे मिलता है, तो ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, इसका उल्लेख मिलता है इंडिका नामक पुस्तक में। कहां मिलता है, इंडिका नामक पुस्तक में, ठीक, इंडिका नामक पुस्तक में। और इंडिका नामक पुस्तक के जो लेखक हैं उनका क्या नाम है, तो आप सब जानते हो उनका नाम है मेगस्थनीज। क्या नाम बच्चे, मेगस्थनीज। क्लियर है, बहुत अच्छे से याद कर लेना सैंड्रोकोट्स। अब एक बात बताओ, मेगस्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सैंड्रोकोट्स लिख दिया था अपनी पुस्तक किसमें, इंडिका में, कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहते हैं, ये बात कह दी थी मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। लेकिन एक बात बताओ बच्चे बहुत ध्यान से, कि सैंड्रोकोट्स नाम की पहचान सबसे पहले किसने की थी। सिंपल सी बात है, पहचान तो अभी जल्दी में की गई होगी, किसी ने पढ़ा होगा, तो इसकी पहचान जो थी की थी उस इतिहासकार का नाम था, तो उस इतिहासकार का नाम याद कर लेना विलियम जोन्स।
विलियम जोन्स ने सबसे पहले वॉइस ऑफ सैंड्रो कोट्स नाम की पहचान की थी, जो इंडिका नामक पुस्तक में था। अब मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, जो मेगस्थनीस था वो राजदूत था, मतलब वो एक प्रकार से एम्बेसडर था। वो किसका राजदूत था, तो याद कर लेना, सेलुकस निकेटर का। सेलुकस निकेटर का, सेलुकस निकेटर का राजदूत था कौन? भाई साहब मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो था वो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और आप सबको पता है सेलुकस निकेटर कौन था? सेलुकस निकेटर एक सेनापति था। किसका सेनापति था? आप सबको पता है जो यूनानी आक्रमण हुआ था, सिकंदर जिसका मेन लीडर था, सिकंदर का सेनापति था। तो एक प्रकार से सिकंदर कहाँ का था? यूनान का, मतलब ग्रीस का। तो सेम टू सेम सेलुकस निकेटर कहाँ का होगा? सेलुकस निकेटर भी यूनान का होगा, मतलब ग्रीस का होगा। तो मेगस्थनीज बच्चे किस देश का होगा? मेगस्थनीज भी यूनान का होगा और ग्रीस का। तो आप कह सकते हो मेगस्थनीज किस देश का था? तो आप बता सकते हो यूनान का था। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जबरदस्त। समझ में आ रहा ना? हाँ, एक चीज समझ में आएगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। बच्चे और देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम और क्या मिलता है। तो दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करता हूं तो इनका एक नाम पता चलता है, जिसका मतलब है व्रसल। क्या नाम पता चलता है? व्रसल। दूसरा जो इनका नाम है वो पता चलता है, व्रसल। अब तुमसे अगर कहा जाए कि व्रसल का उल्लेख कहां पे मिलता है, तो बच्चे आप सभी याद कर लेना, व्रसल का उल्लेख मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक मिलती है। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक थी, उस पुस्तक में नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? व्रसल। व्रसल किसका नाम बोला गया है? चंद्रगुप्त मौर्य का। और मुद्रा राक्षस के बच्चे लेखक याद कर लेना, लेखक का नाम था, मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम था, याद कर लेना, विशाख दत्त। विशाख दत्त, विशाख दत्त बच्चे किसकी? विशाख दत्त की पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रसल कहा गया। तुमसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्रसल का अर्थ क्या होता है, तो आप सब बता ले जाओगे, ब्रसल का अर्थ होता है निम्न कुल। निम्न कुल, जैसे आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उसी प्रकार व्रसल का अर्थ होता है निम्न कुल। ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल दिलो दिमाग में छप जाना चाहिए। व्रसल का अर्थ पूछा जाता है, आप बता ले जाओगे। तो इस प्रकार चंद्र मौर्य के नाम एक पता चलता है सैंड्रो कोट्स, एक पता चलता है व्रसल। सैंड्रो कोट्स पता चलता है बच्चे कहाँ से? इंडिका से। और व्रसल पता चलता कहाँ से? मुद्रा राक्षस से। इंडिका के लेखक है मेगस्थनीज और मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। तो इस प्रकार आपको पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे पता चल गई। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो और एक बार कमेंट करके बताओ क्या आप सबको पूरा अच्छे से ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चे, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आप सबके दिलो दिमाग में बैठ गया, क्या चंद्रगुप्त मौर्य के जो नाम की बात हमने बताई है सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बच्चे याद कर लेना बहुत अच्छे से, भारत का मुक्तिदाता बोलते हैं कौन? किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इतनी बात समझ में आ गई। सत्यम राजपूत जी सर, शेरनी अथया, यस सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। आर्मी बॉय जितेंद्र, मुकेश, बच्चे आप सब देखो वीडियो को आज शेयर नहीं कर रहे हो, तो फटाक से शेयर कर दो। एक चीज बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा है मुकेश होंगवा, साउंड चेक कर लीजिए प्लीज। बच्चे साउंड में कोई दिक्कत ही नहीं, अगर साउंड की प्रॉब्लम होती है तो सबको होती है, सबको नहीं होती, ठीक है? छप गया दिमाग, बहुत बढ़िया, मजा आ गई। तो बच्चे अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं आगे, अब भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य प्लस युद्ध होता है किसके बीच? सेलुकस निकेटर के बीच। सेलुकस निकेटर, सिंपल सी बात है, सिकंदर के साथ भारत आया था जिसका नाम क्या था? सेलुकस निकेटर। और ये मेगस्थनीज का क्या था? भाई साहब सिकंदर का सेनापति था। अब इन दोनों के बीच में, इसके बीच में और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है, युद्ध होता है, हार जाता है सेलुकस निकेटर, जीत जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। उस युद्ध का वर्णन कौन करता है? परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो याद कर लेना, इस युद्ध का वर्णन जो करता है
जिसका नाम है एपियानस। एपियानस नामक इतिहासकार था जिसने इस युद्ध का वर्णन किया था। एपियानस नामक इतिहासकार था जिसने इस युद्ध का वर्णन किया था। और बच्चे इस युद्ध में जब सेलुकस निकेटर हार जाता है तो सेलुकस निकेटर की एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था, आप सबको पता होना चाहिए, जिसका नाम था हेलेना। तो हेलेना का विवाह हो जाता किससे? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह हो जाता है हेलेना का। फिर यहीं पे प्रश्न आता है कि क्या सेलुकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह करता तो क्या दहेज में कुछ नहीं देता है? तो आप सबको पता होना चाहिए भाई साहब, चंद्रगुप्त मौर्य को चार प्रांत मिलते। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और वो चार प्रांत के नाम लिख लेना, काबुल, कामा हेरात, कामा मकरान, कामा कंधार। बच्चे चार ऐसे प्रांत थे जो किसको मिलते हैं, याद कर लेना, चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य को इस प्रकार ये मिलते हैं। और पहली बार भारत का कोई शासक किसी विदेशी शासक के साथ मतलब युद्ध करके जीतता है, तो इसीलिए भाई साहब बोलते हैं चंद्र मौर्य को, एक लाइन बोलते हैं तो लिख लेना, अखिल भारती साम्राज्य का संस्थापक। अखिल भारती साम्राज्य का संस्थापक। तो अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक बच्चे किसे कहा जाता है? तो याद कर लेना, ये बात बोली जाती किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, जो इन्होंने भाई साहब सेलुकस निकेटर को हराया था। इतनी बात आपको समझ में आ गई? हाँ, सेलुकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, बिल्कुल सही बात है। सिकंदर वापस लौट गया था, लेकिन सेलुकस निकेटर अभी भाई साहब भारत को जीतना चाहता था, इसीलिए वो भारत में आगे बढ़ता है और मगध पे आक्रमण करता है, जहां पे उसका युद्ध चंद्र मौर्य के साथ होता है। इस युद्ध का वर्णन करते हैं कौन? एपियानस। और एपियानस बहुत अच्छे से बताते हैं, जिसमें यह हार जाता है और चंद्र मौर्य साहब जीत जाते हैं, जिसके बाद ये अपनी पुत्री का विवाह हेलेना का विवाह कर देता है। बच्चे याद लेना, इस विवाह को हेलेना और चंद्रमौर के विवाह को प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहते हैं। भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहते हैं। ये पेपर में प्रश्न भी आता है। सिंपल सी बात है भैया, पहली बार ऐसा राजा हुआ, ऐसा शासक हुआ, जिसने विदेशी लड़की को अपने यहां क्या भाई साहब वाइफ बनाया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई होगी दिलो दिमाग में। तो आप सब बस वीडियो को भैया लाइक करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो और बताते रहो कि भैया जबरदस्त क्लास चल रही है, पढ़ लो, अभी मौका है, वरना बाद में आप खुद कहोगे कि भाई साहब नहीं पढ़ा, जो छूट गया हमारा। ठीक है, चलो, इतनी बात समझ में आ गई ना, इतनी बात पूरा का पूरा दिलो दिमाग समझ में आ गया बच्चे। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह चंद्र मौर्य और हेलेना वाला, सागर केटेकर, डेली क्लास होती है 7:00 PM, क्लियर है? चलो, पेट का क्लास आप रेगुलर जीएस का पढ़ा देंगे, ठीक है, परेशान मत होना। बस आपको जरूरत है तो वीडियो को लाइक करने की और शेयर करने की। हाँ, तो इतनी बात आपके दिलो दिमाग में बैठ गई होगी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, बिल्कुल दिल में छा गया होगा। अब मैं बात करता हूं आगे की तरफ। अब आगे क्या हुआ चंद्रगुप्त मौर्य क्या? सबसे बड़ी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है था वो किस धर्म को मानता था? बच्चे वो जैन धर्म को मानता था, ये बात हमने आपको पहले ही बता दी। ठीक, जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पूरा टाइम पीरियड चला वो 322 BC मतलब ईसा पूर्व से 298 BC तक मगध की गद्दी पर ये बैठा, 298। ठीक है, जैन धर्म को मानता था। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो जैन धर्म की शिक्षा देने वाले थे, उनका नाम था भद्रबाहु।
भद्र बाहु, और सबको पता है भद्र बाहु की पुस्तक का नाम क्या था, भद्र बाहु की पुस्तक का नाम था जिसको कहते थे कल्प सूत्र, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र बच्चे ये पुस्तक किसकी थी, भद्र बाहु की थी। अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से जबरदस्त तरीके से याद कर लेना, भद्र बाहु बच्चे किसकी पुस्तक थी, इसी की थी, ठीक है। फिर जबरदस्त तरीके से आप याद कर लेना, बेहतरीन। क्या याद करोगे कि जो भद्र बाहु था, भद्र बाहु किसको भाई साहब बढ़ावा देता था, भद्र बाहु दिगंबर संप्रदाय को बढ़ावा देता था, क्योंकि आपको पता है जैन धर्म दो भागों में था, श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर उसे कहते थे जो सफेद कपड़े धारण करते थे, दिगंबर उसे कहते थे जो एक प्रकार से नग्न अवस्था में रहते थे, मतलब कपड़े नहीं पहनते थे। क्लियर है, इतनी बात आपके दिलो दिमाग में बैठ गई होगी। फिर बच्चे बहुत अच्छे समझ लेना कि जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु से शिक्षा दीक्षा लेकर चले गए, कहाँ चले गए, तो याद कर लेना अंतिम समय इन्होंने कहाँ व्यतीत किया, तो ये परीक्षा में प्रश्न आता है, तो याद कर लेना अंतिम समय, अंतिम समय ये चले गए कहाँ पर, तो एक जगह का नाम था जिसको कहते थे श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला। और बच्चे श्रवण बेलगोला जो था ना वो कहाँ पड़ता है, तो याद कर लेना वो पड़ता है कर्नाटक में, कर्नाटक में पड़ता है, जिसका नाम है श्रवण बेलगोला। और अंतिम समय चंद्र मौर्य बिताने कहाँ चले गए थे, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चले गए थे। और याद कर लेना सबसे बड़ी बात, श्रवण बेलगोला में ही इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इनकी जो डेथ होती है 298 ईसा पूर्व में होती है, यहीं पर होती है। सबसे बड़ी बात जो डेथ होती है वो किस विधि द्वारा होती है, तो उस विधि का नाम याद कर लेना जिसको कहते हैं संलेखना विधि। क्या कहते हैं, संलेखना विधि। अब तुम कहोगे संलेखना विधि किसे कहते हैं, बच्चे याद कर लेना संलेखना विधि जो बोलते हैं ना, भूख और प्यास के द्वारा जो प्राण त्यागे जाते हैं उसको संलेखना विधि का नाम दिया जाता है। और श्रवण बेलगोला में भाई साहब चंद्र मौर्य जो होते हैं अपने प्राणों को त्याग देते हैं, जो कर्नाटक राज्य में श्रवण बेलगोला पड़ता है। और आप सबको मैंने बताया था श्रवण बेलगोला ही स्थान था जहां पर एक मूर्ति मिलती है जिसका नाम है गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति। अब तुम कहोगे कि गोमतेश्वर की मूर्ति, सबसे बड़ी बात मैं तुमको बता दूं, गोमतेश्वर को ही बाहुबली बोलते थे, चाहे गोमतेश्वर बोलो चाहे बाहुबली बोलो, बात एक ही है भाई साहब, बात एक ही है, चाहे गोमतेश्वर बोलो चाहे बाहुबली बोलो, बात एक ही है, याद कर लेना। जबरदस्त तरीके से बाहुबली और गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर मिलती है, ये मिलती है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में ही मिलती है। सबसे बड़ी बात बता दें आखिरकार बाहुबली और गोमतेश्वर थे कौन, तो याद कर लेना जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभदेव, ऋषभ देव। तो बच्चे ये जो माने जाते थे ना ये ऋषभदेव के पुत्र थे। तो तुमसे अगर कहा जाए कि आखिरकार बाहुबली गोमतेश्वर कौन थे, तो ऋषभदेव के पुत्र थे, याद कर लेना उनके नाम पर मूर्ति बनी है श्रवण बेलगोला में। और सबसे बड़ी बात मैं तुमको बता दूं, इनका इसी मूर्ति पर एक प्रत्येक 12 वर्ष में, प्रत्येक 12 वर्ष में, याद कर लेना प्रत्येक 12 वर्ष में एक पूरा विधि विधान के द्वारा पूजा अर्चना की जाती थी जिसको मस्तका अभिषेक कहते थे। मस्तका अभिषेक का मतलब है दूध दही द्वारा पूरा का पूरा प्रत्येक 12 वर्ष में पूजा अर्चना करना, आप याद कर लेना, ठीक है, हाँ याद कर लेना, उसी को कहते थे महामस्तका अभिषेक। इसके आगे एक शब्द और लगा लेना महामस्तका अभिषेक, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, आप जबरदस्त तरीके से बता ले जाओगे महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक किसे कहते हैं, तो प्रत्येक 12 वर्ष में जो पूजा अर्चना की जाती थी उसी को बोलते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपके दिलो दिमाग में समझ में आ गई होगी। जितने लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया भैया लाइक कर देना। इस प्रकार चंद्र मौर्य के बारे में यहीं पर मामला समाप्त होता है। हाँ, एक बच्चा कह रहा सर जी वो पहाड़ी का नाम कौन सा था जहां पे चंद्र मौर्य अपना डेथ होती है, तो याद कर लेना उस पहाड़ी को कहते थे चंद्रगिरी पहाड़ी जो मैसूर में पड़ती है।
बच्चे उस पहाड़ी का नाम था जिसको कहते हैं चंद्रगिरी पहाड़ी, जो मैसूर में पड़ती है, जहां पे चंद्र मौर्य जो है अपने प्राणों को त्यागते हैं। क्लियर है शिवानी सर, मैं आपकी बिग फैन हूँ, टीचर हो तो आपके जैसा मैं कभी उन्नाव आऊं मैं आपसे जरूर मिलूंगी। थैंक यू बच्चे, आप सबका बहुत सारा प्यार, नमस्कार। ठीक है, जबरदस्त। तो उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ गुरु जी, थोड़ा अवधि में बोलिए, अवधि में सुनने का मन है का बउआ? चलो, इतनी बात समझ में आ गई आपको, फटाक से इसका स्क्रीन शॉट लो, फिर मैं बात करता हूँ आगे की तरफ। आप तब तक वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो धमाकेदार तरीके से, फिर मैं बात करने जा रहा हूं आगे की तरफ भैया। ठीक है, हाँ चल आगे बढ़ो बच्चे। अब आगे बढ़े हम लोग, चंद्र मौर्य के बाद जो गद्दी पर बैठा उसका नाम क्या था? उसका नाम था बच्चे बिंदुसार। आप सबको पता है चंद्र मौर्य का जो लड़का हुआ उसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार ही गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा? बिंदुसार। ठीक, बिंदुसार का जो टाइम पीरियड बच्चे चला है पूरा टोटल, वो कब से कब तक चला तो याद कर लेना, 298 बीसी से 273 बीसी। ठीक, फिर बालक बड़े ध्यान से याद कर लेना, क्या याद करोगे? बिंदुसार के पिता तो मुझे पता है, बिंदुसार के पिता तो मुझे पता है, क्या नाम है? तो आप सबको पता है मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर बैठने वाला मौर्य वंश का अगला शासक था जिसका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता जो थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य तो पिता थे, लेकिन बिंदुसार की माता कौन थी? माता में बच्चे डाउट प्राचीन काल में इसलिए होता है क्योंकि इतनी सारी पत्नियां होती थी, पता नहीं चलता था कौन किसका बेटा है। तो बच्चे याद कर लेना, जो बिंदुसार की माता का नाम था उनको कहते हैं दुर्धरा। क्या बोलते हैं? दुर्धरा। तो दुर्धरा बच्चे किसके किसकी माता का नाम था? बिंदुसार की माता का नाम था, ये भी आपको पता चल गया। ठीक, अब बच्चे अगर बिंदुसार के बारे में बात करें तो बिंदुसार को हम लोग अमित्रघात कहते थे, अमित्रघात। तो एक प्रकार से ये उपनाम लिख लो चाहे अन्य नाम लिख लो, जो उपनाम में सबसे पहला नाम आया अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। तो शत्रुओं का नाश करने वाला बच्चे किसे कहते हैं? अमित्रघात बोलते हैं। ठीक, और अमित्रघात किसे कहते थे? बिंदुसार को कहते थे। इतनी बात आपके दिलो दिमाग में बैठ गई होगी। फिर बालक आप बहुत अच्छे से याद कर लेना बिंदुसार के बारे में, जब बिंदुसार का जन्म हुआ था, जन्म के समय मस्तक पर बिंदु था, मस्तक पर बिंदु था, जन्म के समय मस्तक पर बिंदु था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था बिंदुसार, इसीलिए इसका नाम पड़ा था बिंदुसार। दूसरी बात, बिंदुसार का जो जन्म हुआ था बच्चे, वो एक प्रकार से सर्जरी की तकनीक के रूप में हुआ था। पेपर में पूछा जाता है सिजेरियन तकनीक से, सर्जरी तकनीक से। पेपर में प्रश्न आएगा कौन सा ऐसा शासक है जिसका जन्म सर्जरी तकनीक के माध्यम से हुआ था, तो आप बता सकते हो सर्जरी तकनीक के माध्यम से जो जन्म हुआ था उसका नाम है बच्चे बिंदुसार। क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाँ सर, समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, घनानंद की बहन ही थी दुर्धरा। तो इतनी बात आपको बिल्कुल दिलो दिमाग में छप गई होगी। फिर बच्चे बिंदुसार को अमित्रघात कहते थे। फिर याद कर लेना बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहते थे। वायु पुराण में क्या कहा जाता था बिंदुसार को? तो याद कर लेना वायु पुराण में इसको भद्रसार कहते थे या वारिसार कहते थे। चाहे भद्रसार याद कर लेना चाहे वारिसार याद कर लेना, पेपर में पूछा जाएगा कि भद्रसार और वारिसार किसके अन्य नाम थे। ये दोनों अन्य नाम थे किसके? बिंदुसार के थे। और ये नाम का उल्लेख, इस नाम की चर्चा कहां पर मिलती है? तो आप बता सकते हो इस नाम का उल्लेख, इस नाम की चर्चा बच्चे वायु पुराण में मिलती है। कहां मिलती है? वायु पुराण में मिलती है। बहुत अच्छे से बता सकते हो। ठीक है,
फिर बच्चे बहुत अच्छे से आप ये भी बता सकते हो कि जो बिंदुसार था, जो बिंदुसार था उसको जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है, जैन ग्रंथ में, तो याद कर लेना जैन ग्रंथ में बच्चे इसे क्या कहा गया है, तो याद कर लेना उसको कहा गया सिंहसेन। तो पेपर में प्रश्न आता है सिंहसेन किसका अन्य नाम था, तो सिंहसेन जो अन्य नाम था वो बच्चे बिंदुसार का है, और सिंहसेन जो शब्द यूज किया गया बिंदुसार के लिए वो जैन ग्रंथों में किया गया है, ये भी याद कर लेना। फिर बालक आप बड़े अच्छे से याद कर लेना, बिंदुसार को एक इतिहासकार थे जिनका नाम था तारानाथ, क्या नाम था तारानाथ, तो याद कर लेना तारानाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता बताया, तारानाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता बताया। तो पेपर में प्रश्न आता है कि कौन से ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने 16 राज्यों का विजेता बताया, तो याद कर लेना बिंदुसार को तारानाथ ने 16 राज्यों का विजेता बताया। अगर आपसे कहा जाए तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे, तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे, और तारानाथ की पुस्तक का नाम जो था उसको कहते थे कयंगुर या तयंगुर, कयंगुर या कयंगुर कहते थे। क्लियर है? जय मोमू, आपके जैसे टीचर मिल जाए तो जीवन कल्याण हो जाएगा यूजीसी नेट के लिए। थैंक यू बच्चे, आप सबका बहुत सारा प्यार। बच्चे आप सब इतना सब देख रहे हो, बढ़िया देख रहे हो अच्छे से, लेकिन आप सब एक कमी कर रहे हो, बस वीडियो को लाइक नहीं करने से और शेयर नहीं करने से। आप सब वीडियो को भाई साहब लाइक करो, शेयर करो धमाकेदार तरीके से, ठीक है? चलो इतनी बात बच्चे समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, सब बस। अब बस इतनी बात बच्चे समझ में आ गई, तो फटाक से आप क्या कर दो, फटाक से इसको क्या कर दो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को लाइक कर दो, साथियों के साथ शेयर कर दो, और आप कमेंट करके बता दो कि बच्चे आप सबको ये क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा, मौर्यवंश एक कहानी के तौर पे आपके दिलो दिमाग में बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा। हाँ बस मज़ा आना चाहिए और क्या होना चाहिए। टेलीग्राम चैनल बच्चे आप ज्वाइन कर लो, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जहाँ पर आपको ये क्लास की PDF मिल जाएगी। जो एप्लीकेशन है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, क्या एप्लीकेशन है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। हाँ कुंदन कुमार कह रहे हैं सर सॉरी इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि भूल जाता हूँ मैं कि लाइक भी करना है। कोई बात नहीं बच्चे, मैं याद दिला देता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि ये केवल मास्टर लाइक करवाने आते क्लास को, अपना लाइक भी की तरह मांगते। अरे भैया देखो मैं कंटिन्यू, आप खुद देखो एक एक चीज, एक एक चीज मैंने बिल्कुल विधिवत बताई है, कहीं से भी मैंने अगर कुछ भी छोड़ा हो तो आप बता सकते हो मैं, ठीक है? इतनी बात बिल्कुल दिलो दिमाग बैठ गई होगी। आज तुमको यह भी पता चल गया होगा कि आखिरकार पहला ऐसा शासक हुआ जिसका जन्म सर्जरी तकनीक के माध्यम से हुआ था। अभी बिंदुसार के बारे में चीजें समाप्त नहीं होती हैं, बिंदुसार, और आप सबको क्लास समझ में आया आए तो आप सब डेली शाम 7 बजे समय पे जुड़ जाएगा। चलो बिंदुसार के बारे में बात कर लेता हूं बहुत ध्यान से। बिंदुसार की जो थी मित्रता बहुत अच्छे से थी, मित्रता किससे मित्रता थी तो याद कर लेना एक देश है जिसका नाम है सीरिया, तो तब बोलते थे सीरिया नरेश आंतियोकस से, सीरिया नरेश आंतियोकस। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा कि बिंदुसार की मित्रता बच्चे किससे थी, तो आप बता सकते हो सीरिया नरेश आंतियोकस से थी। अगर मैं तुमसे आज के दौर पे बात करूं तो सीरिया की जो राजधानी थी उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरिया की जो राजधानी को हम लोग कहते हैं दमिश्क, क्या कहते हैं दमिश्क, याद कर लेना सीरिया की राजधानी का नाम है दमिश्क, ठीक है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, हाँ मजा आ रहा है, सब पास, आपको देखकर मोटिवेट होता हूं, यू आर द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अरे बच्चे ऐसे बात नहीं है,
बॉस टीचर जीएस पढ़ाऊं पर आपके जैसा टीचर नहीं है कोई, ऐसी कोई बात नहीं, बस आपको समझ में आ जाए इतना मेरे लिए काफी है। हाँ आप सब लाइक कर रहे हो, थैंक यू सो मच बच्चे। सीरिया नरेश आंतियोकस से बिंदुसार की मित्रता थी, सीरिया की राजधानी है दमिश्क, क्लियर है। अब क्या हुआ, इन्होंने मित्रता बस बिंदुसार ने आंतियोकस से तीन चीजों की मांग की, तीन चीजों की मांग की किसने, बिंदुसार ने। क्या क्या चीजें मांगी, पहली चीज इन्होंने मदिरा मांगी, क्या मांगी, मदिरा जिसको कहते हैं शराब। दूसरी चीज इन्होंने क्या मांगी बच्चे, दूसरी चीज इन्होंने मांगी सूखे अंजीर, मतलब ड्राई फ्रूट्स, सूखे अंजीर मतलब ड्राई फ्रूट्स। तीसरे नंबर पे क्या मांगा बच्चे, एक दार्शनिक, दार्शनिक को इंग्लिश में बोलते हैं सोफिस्ट, क्या बोलते हैं सोफिस्ट, क्लियर है। इतनी चीजों की मांग की जिसमें सीरिया नरेश आंतियोकस ने क्या किया, अपने मित्र बिंदुसार को निराश नहीं किया, उन्होंने बिंदुसार को तुरंत मदिरा प्रदान की, तुरंत सूखे अंजीर प्रदान करवाए, लेकिन दार्शनिक की व्यवस्था वो तुरंत नहीं कर पाए, इसीलिए दार्शनिक को वो तुरंत नहीं देने में असमर्थ रहे। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय भाई साहब बाद पेपर में प्रश्न आता है कि इन्होंने एक दार्शनिक भी दिया और उस दार्शनिक का नाम था जो परीक्षा में पूछा जाता है जिसको कहते हैं डाइमेकस। अगर तुमसे कह दें कि डाइमेकस किसका राजदूत था, तो डाइमेकस जो राजदूत था वो सीरिया के राजा आंतियोकस का राजदूत था। और सबसे बड़ी बात, डाइमेकस किसके दरबार में भारत आया था, तो आप कह सकते हो भाई साहब दरबार में भारत आया किसके, बिंदुसार, बिंदुसार के दरबार में बच्चे भारत आया कौन, डाइमेकस, किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत, दार्शनिक का क्या मतलब होता है सर जी बच्चे, दार्शनिक का मतलब एक सोफिस्ट होता है कि वो यहाँ पर आएगा और एक प्रकार से सारी चीज़ों को देखेगा। और जैसे मेगस्थनीज आया, तो मेगस्थनीज आया, मैं यहाँ पे मेगस्थनीज बनकर आया हूँ मौर्य वंश में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो मैं देख रहा हूँ हाँ मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य साहब क्या कर रहे हैं, अपनी प्रजा को किस प्रकार संतुष्ट कर रहे हैं और भाई सब क्या क्या चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है कि बच्चे दार्शनिक का काम होता उस साम्राज्य की विशेषताओं का वर्णन करना। तो इस प्रकार आपको इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, हाँ बहुत बढ़िया जबरदस्त। अनूप कुमार मारवी बच्चे छत्तीसगढ़ की धरती से प्रणाम, तो उन्नाव की धरती से आपके प्रणाम को स्वीकार करता हूँ। आप सब मुझे इतना प्यार देते हो, बहुत सारा प्यार देते हो, नेशनल फर्स्ट एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन सर 500K सब्सक्राइबर के लिए। बच्चे आप रंजन रंजन जय भीम बोल दो सर, जय भीम, जय श्री कृष्णा, जय राधे, जय अल्लाह, सब भाई साहब एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ मैं एक मास्टर हूँ और मास्टर किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देते। मैं जिस धर्म का हूँ भाई साहब मेरे लिए वो भी भगवान है, मेरे लिए सारे धर्म भगवान हैं, ठीक है। किसी भी धर्म में कोई भी कमी नहीं है, कमी है सिर्फ मानवता में, मनुष्यता में। लोग मनुष्यता को भूलकर अब धर्म की ओर भाग रहे हैं, बस इतना फर्क रह गया है। तो इसीलिए आप किसी भी चीज़ को कोई भी तरीके से गलत अंदाज में मत लेना, ठीक है, जबरदस्त। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात समझ लेना, बिंदुसार के समय विद्रोह हुआ था कहाँ पर, तो याद कर लेना बिंदुसार के समय जो तक्षशिला था, तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, क्या हुआ था, विद्रोह। और याद कर लेना जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था बिंदुसार के समय में, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था, तो याद कर लेना बिंदुसार ने भेजा था अशोक, एक अपने बेटे अशोक और दूसरे बेटे सुसीम को, दो बेटों को भाई साहब बिंदुसार ने भेजा था तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए। तो इस प्रकार पूरा का पूरा बिंदुसार का मामला समाप्त होता है। लेकिन अब मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित है, उसी प्रकार बिंदुसार किस धर्म से, तो बिंदुसार के बारे में बता दूँ, बिंदुसार बच्चे न जैन से संबंधित था न बौद्ध से, ये संबंधित था अजीवक संप्रदाय से।
आजीवक संप्रदाय से, तो आपका परीक्षा में काम हो जाएगा कि आजीवक संप्रदाय से कौन सा राजा संबंधित था, तो आप बता सकते हो वो था बिंदुसार। अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो वो क्या बात कर रहा हूँ, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आप जबरदस्त तरीके से बता सकते हो आजीवक संप्रदाय के जो फाउंडर, जो संस्थापक थे, उनका नाम क्या था। बच्चे याद कर लेना, माखलपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, माखलपुत्र गोसाल। इस प्रकार बच्चे पूरा का पूरा आजीवक संप्रदाय, मतलब एक प्रकार से यहाँ पे बिंदुसार के बारे में भी अच्छे से चीज़ें सपा पता चल गई। बहुत बढ़िया, इतनी बात उम्मीद करते आप सबको समझ में आ गई होगी। अब बच्चे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक बात आप बताओ, एक पुस्तक आपने पढ़ी है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। क्या नाम है उस पुस्तक का, इंडिका। आप सब जानते भी हो, बिल्कुल आप सब जानते भी हो कि इंडिका जो है, इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका के लेखक है मेगस्थनीज। और बच्चे मेगस्थनीज जो हैं, पेपर में तुमसे प्रश्न आएगा किस देश के ये दार्शनिक या इतिहासकार थे, यूनान। और आपको पता है यूनान को वर्तमान में क्या कहते हैं, यूनान को वर्तमान में बच्चे ग्रीस कहते हैं। तो पेपर में प्रश्न आता है जो इंडिका लिखी गई है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो याद कर लेना इंडिका जो लिखी गई है ना वो ग्रीक भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, ग्रीक भाषा में लिखी गई है, ये भी आप याद कर लेना। दूसरी बात, मेगस्थनीज बच्चे किसका राजदूत था, तो मेगस्थनीज जो राजदूत था वो किसका था, तो आप सबको पता है सेलुकस निकेटर का। दूसरी बात, सेलुकस निकेटर जो बच्चे किसका सेनापति था, तो आप सबको पता होना चाहिए सेलुकस निकेटर सेनापति था किसका, सिकंदर के सेनापति का नाम था, जिसको कहते हैं सेलुकस निकेटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में क्या दर्शाया, तो सबसे पहली बात इन्होंने दर्शाई, क्या दर्शाई, तो याद कर लेना इन्होंने सबसे पहली बात बताई कि जो राजा होते थे। अब अगर तुमसे यहीं पे कह दिया जाए मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, भारत किसके दरबार में आया था, तो आप सब बता सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके दरबार में आया था कौन, मेगस्थनीज। उसके बारे में भी आप बता सकते हो। इंडिका जो थी वो ग्रीक भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अब अगर यहीं पे तुमसे यह बात आ जाए कि इंडिका में उन्होंने ऐसी क्या बात बोली गई है, तो बच्चे आप बता सकते हो अंगरक्षिका के रूप में महिलाएँ थी। ये पेपर में बहुत प्रश्न आता है कि अंगरक्षिका के रूप में महिलाएं, जो चंद्रगुप्त मौर्य जब चलते थे तो भाई साहब बॉडीगार्ड के रूप में कोई पुरुष नहीं चलता था, उनके साथ अगल बगल महिलाएं चलती थी, इसीलिए अंगरक्षिका के रूप में कौन होती थी, महिलाएं होती थी। तो आप इसको आराम से चीज़ों को बता सकते हो जबरदस्त तरीके से। तो उम्मीद करते आपको ये भी बात समझ में आ रही होगी, आ रही ना बात समझ में बच्चे। एक बार कमेंट करके आप सब बता दो आप सबको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ भैया। फिर याद कर लेना दूसरा पॉइंट क्या आता है कि पाटलिपुत्र को इन्होंने क्या कहा, पाटलिपुत्र को इन्होंने इंडिका वाली पुस्तक में क्या कहा, तो बच्चे याद कर लेना पोलीब्रोथा। ये भी पेपर में प्रश्न आता, तो आप बता सकते हो पाटलिपुत्र जो नगर था उसको इन्होंने पोलीब्रोथा कहा, क्या कहा, पोलीब्रोथा। क्लियर है, चलो। हाँ बच्चे, मेरा जो पढ़ाने का टाइम है वो 7:00 है, मैं उम्मीद करूँगा आप सब 7:00 डेली जुड़ा करोगे। आपको मैं एक पोस्टर भी दिखा दूँ जिससे आप बहुत अच्छे से जान जाओगे कि मेरा पढ़ाने का क्लास टाइम कितना है, रोज़ रात 7:00 राघव सर की GS क्लास यूट्यूब पे। तो अब आपको पता चल गया, विश्वास हो गया, मैं डेली शाम को 7:00 आता हूँ। इतनी बात समझ में आ रही बच्चे, बहुत बढ़िया। और याद कर लेना इंडिका को मौर्य साम्राज्य का दर्पण कहते हैं,
मौर्य साम्राज्य का दर्पण। अगर तुमसे कहा जाए कि बच्चे किस पुस्तक को मीरा राफ मौर्य डायनेस्टी कहते हैं, तो आप बता सकते हो मौर्य साम्राज्य का दर्पण किसे कहते हैं, इंडिका को ही कहते हैं। तो इस प्रकार ये आपको बता सकते हो, ठीक है। और इन्होंने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था। बच्चे सबसे बड़ी बात है, जो पाटलिपुत्र था इन्होंने बताया था कि पाटलिपुत्र उस समय वहाँ का सबसे बड़ा नगर था जो गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित था, गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित था। तीसरी बात इन्होंने बोली थी कि भारत में उस समय दास प्रथा नहीं थी, मतलब किसी भी प्रकार की दास प्रथा नहीं थी, कोई भी शूद्र रुद्र कुछ भी नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था। तो आप सब अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को सबके सब लाइक कर देना ज़बरदस्त तरीके से। उम्मीद करते आपके दिलो दिमाग में बैठ गया होगा। और बच्चे आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों को हमारा पूरा जीएस का कोर्स पढ़ना हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस इकोनॉमिक्स स्टैटिक जीके ए टू जेड 18 महीने की पूरी वैलिडिटी के साथ, आप ये हमारा एप्लीकेशन फिनिक्स एकेडमी उन्नाव इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन हो सकते हो, RAM20 कूपन कोड, और ये हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, क्लियर है। चलो तो साथी उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आई होगी जबरदस्त तरीके से। अब तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आगे की जो क्लास होगी, जो अगला जो शासक बैठेगा गद्दी पर उसका नाम होगा सम्राट अशोका, लेकिन सम्राट अशोका को हम लोग कब पढ़ेंगे, सम्राट अशोका को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे शाम 7 बजे। तो आप सब किस कोई भी जुड़ना मत भूलिएगा, कल शाम 7 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसमें हम लोग सम्राट अशोका को पूरा का पूरा पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। कितने बजे जुड़ना है आपको, शाम 7 बजे, क्लियर है। और आपको बच्चे कमेंट बॉक्स में प्रश्न का उत्तर देना है, क्या प्रश्न का उत्तर देना है, मैं वो प्रश्न पूछे ले रहा हूँ जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल शाबाश बालक। कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है जबरदस्त तरीके से। और ये भी बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, अगर आप जितना अच्छे कमेंट दोगे उतना भाई साहब पता चलेगा मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। और आप फिर मैं कल कंटिन्यू करूंगा शाम 7 बजे, तारीख लिख लेना 4 जुलाई 2022, और इसके तुरंत बाद 8 बजे क्लास शुरू होने जा रही किसकी, अंबू सर की, जो बेसिक से आज आपको औसत टॉपिक को समझाएंगे। मिलते हैं आपको, बच्चे वीडियो को लाइक कर देना, मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ, सब बच्चों को मैं बता दूँ एक बहुत बड़ी सूचना है, 5 जुलाई आप सबको मैं बता दूं, मेरा जन्मदिवस है, और मैं इस बार बच्चे मेरे जन्मदिवस पे मुझे सचान सर तोहफा दे रहे हैं, जो शाम 4 बजे से मैराथन क्लास लेंगे साइंस की, 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। तो आप सब जुड़ना मत भूलिएगा 5 जुलाई शाम 4 बजे से। साथियों जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।